बेटा, आज इस वीडियो में हम नंबर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नंबर, गिनती। ठीक, क्लास यूकेजी मैथ। आज इसमें हम क्या सीखेंगे, किस चीज का स्टडी करेंगे? नंबर का। यान, यू, यम, बी, ई, आर। ठीक, यान, यू, यम, बी, ई, आर। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहा जाता है? नंबर। नंबर मींस क्या होता है आपको बताया गया है, आपको पता भी होगा एलकेजी में। नंबर, नंबर मींस क्या होता है बेटा, कितने लोग बताएंगे? ठीक, नंबर मींस गिनती। नंबर मींस क्या होता है? गिनती। तो आज हम जो है 1 to 30, 1 to 30, 1 से लेकर के 30 तक की गिनती को सीखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू किया जाता है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कहां से? यहां से। वन, हमारे साथ में एक बार आप रीड करेंगे, उसके बाद में एक तरफ से फिर से पढ़ा जाएगा, इसका रिवीजन किया जाएगा। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक बेटा, अंडरस्टैंड? गुड। अब बेटा नंबर को आप मैनी टाइप्स, मतलब कई रूपों में, कई प्रकार से लिख सकते हैं, कई भाषाओं में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जो है ये 1, 2 जिसको अंक में कहते हैं, अंक में लिखा रहता है, उसको कहा जाता है न्यूमरल। क्या कहा जाता है? न्यूमरल। यान, क्या कहा जाता है? न्यूमरल। यान, सॉरी, इसको भी आप 1 रीड करेंगे एंड इसको भी आप 1 रीड करेंगे। ठीक, तो ये आपका किस टाइप का है? न्यूमरल है, अंकों में लिखा गया है। एंड ओ एन ई, ये 1 किस टाइप का है? ये शब्द में है, वर्ड में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? वर्ड में। ठीक, तो एक तो वर्ड में और दूसरा अदर क्या है? न्यूमरल में। तो सबसे पहले न्यूमरल को पढ़ते चलते हैं, इसका ध्यान देते चलते हैं एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत इजी है, आप लर्न करना चाहेंगे तो बहुत ही इजी है। एक सीरीज से आप चलेंगे एक तरफ से, तो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसी में ऐड करते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आप 10 तक आ गए, मान लीजिए आपको आगे नहीं आ रहा है, 10 तक आपको लर्न है। ठीक, तो फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब 10 में 1 और ऐड कर दोगे, 10 में 1 और जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा? मान
लीजिए आपके पास 10 रुपीज है और आपको 1 रुपीज और मिल गया, तो अब आपके पास टोटल कितने रुपीज हो गए? तो आप बड़े आसानी से 10 रुपए में 1 रुपया और जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, आप जान जाओगे कि हमारे पास 11 रुपीज हो गए, 11 रुपए हो गए। तो ऐसे ही अब 10 के बाद 10 में 1 और ऐड कर दो, हो गया 11। ठीक, फिर 10 में 2 और ऐड कर दो, इलेवन हो गया। अब इसी 10 में 2 और ऐड कर दो, यहां देखो 10 + 2 = 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक, इसी 10 में 2 और ऐड कर दिए, हो गया 12। आप फिर क्या करोगे, इसी 10 में 3 और ऐड कर दोगे, 2 के बाद क्या आएगा है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 और ऐड कर दोगे, तो 10 में 3 और ऐड करोगे, 10 + 3 = 13, क्या हो जाएगा 13। अब फिर नेक्स्ट देखोगे 10 में 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है कि नहीं आता है, तो इसी 10 में 4 को ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 10 + 4 = 14। अब यहाँ आ गया 14। अब इसके बाद 14 के बाद 10 में कितना ऐड करोगे बेटा, कितना ऐड करोगे 10 में, अब 4 के बाद क्या आएगा 5। गुड, तो 10 में 5 ऐड कर दोगे, 10 + 5 = 15। गुड, अब नेक्स्ट क्या है, 5 ऐड किए थे, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6। तो अब 10 में और क्या ऐड कर दोगे, नेक्स्ट 10 में 10 + 6 = 16, 10 + 6 = 16, अंडरस्टैंड। अब 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा, 6 के बाद नंबर आपका आता है 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, कितने लोग बताएंगे, गुड, 6 के बाद क्या आता है 7। अब क्या करेंगे आप, इसी 10 में 7 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 10 + 7, 10 + 7, अब ये आपका क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। ठीक, 17, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा, 7 के बाद 8। गुड, अब आप क्या करेंगे, इसी 10 में 8 को ऐड कर देंगे, 10 + 8 = 18, और अब 8 के बाद अब तक कौन सा नंबर ऐड किए हो, 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा 9। गुड, तो 10 + 9 = 19। गुड, 10 + 9 = 19। अब देखोगे आप 10 के बाद, सॉरी 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 के बाद 10। अब 10 में आप कितना ऐड कर दोगे, 10 + 10, 10 + 10, मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, 10 रुपए है, 10 रुपीज और आपको मिल गए, तो आपके पास अब टोटल कितने रुपीज हो गए, 10 + 10 = 20, कितना हो जाएगा 20।
टेन तक। अब इसमें आप क्या करते गए थे, टेन में स्टेप बाय स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन को ऐड करते गए थे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे ट्वेंटी पे, किस पे आ जाएंगे ट्वेंटी पे। अब सेम प्रोसेस वही प्रक्रिया आपको फिर से रिपीट कर देना है, दोहरा देना है। अब 20 में स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर के 10 तक क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, अब सबसे फर्स्ट में आप 20 में क्या ऐड करेंगे, 1 क्या ऐड करेंगे, 1 20 में इसको बेटा इरेज कर दे रहे हैं, देखो अब आप क्या करेंगे 20 में सेकंड स्टेप पे 20 में क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 1 ऐड करेंगे 20 प्लस 1 सेम वैसे जैसे 10 में आप 1 को ऐड कर दिए थे तो हो गया था 11, वैसे ही 20 में आप 1 को ऐड कर देंगे हो जाएगा 21। गुड, अब नेक्स्ट देखो इसी 20 में फिर आप क्या ऐड करेंगे, 1 को ऐड किए थे इसके 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 20 में अब आप क्या ऐड करेंगे प्लस 2, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। गुड, अब फिर नेक्स्ट देखेंगे 20 में ही कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अब आप क्या करेंगे, फिर देखेंगे 20 में क्या ऐड करना है, अभी तक हम जो है 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप ऐड किए हैं, तो अब 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा 4, अब 20 में हम क्या ऐड कर देंगे 4, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। गुड, अब इसके बाद क्या करेंगे 20 में ही 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, 4 के बाद 5 तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। गुड, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा, 5 के बाद 6, तो अब आप 20 में क्या कर देंगे, कौन सा नंबर ऐड करेंगे 26 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 20 में 8 ऐड करेंगे, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा 7, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा 7, तो अब चूंकि स्टेप बाय स्टेप हमको ऐड करना है, इधर उधर ऐड कर देंगे तो उसका जो है स्टेप क्रम उसका बिगड़ जाएगा, इसलिए हमको सबसे पहले 1 उसके बाद में 2 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6 और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, तो 20 में हम क्या ऐड कर देंगे 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा ना। 7 के बाद 8, 7 के बाद क्या आएगा 8, 7 के बाद देखो 8 आया तो इसी 20 में क्या ऐड कर देंगे 8 को ऐड कर देंगे 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28, 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। और अब नेक्स्ट क्या है 20 में ही आपको ऐड करना है तो सभी नंबर्स को सारी गिनतियों को एक बार 10 में दूसरे स्टेप पे 20 में ऐड करना है, अभी फिर स्टेप एक नया बनेगा तो उसमें ऐड करना है। ठीक, अभी तक हम 20 में कहां तक ऐड किए हैं, 8 तक ऐड किए हैं, अब नेक्स्ट आएगा 20 प्लस शायद यहां ना दिख रहा हो आपको तो यहां लिख दे रहे हैं, यहां राइट कर दे रहे हैं, देखो 20 प्लस
9 इज इक्वल टू 29। ठीक, अब 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9 के बाद 10 आता है। क्या आता है? 10। अब 20 में आपको क्या ऐड कर देना है, क्या जोड़ देना है? 10 जोड़ देना है। 20 प्लस 10। आपके पास मान लीजिए 20 मैंगोज हैं, 20 आम हैं और 10 एप्पल्स हैं। 20 मैंगोज हैं, 20 आम हैं और 10 एप्पल्स हैं, 10 सेब हैं। तो टोटल कितना हो गया, कितना नंबर हो जाए, कितनी गिनती हो जाएगी? तो 20 मैंगोज और 10 एप्पल्स सब मिलाकर के आपके पास कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। गुड। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? 30। ठीक, सेम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 30 में स्टेप बाय स्टेप 30 में फर्स्ट 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 31। फिर 30 में ही 2 ऐड करेंगे, हो जाएगा 32। फिर 30 में 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 33। 30 में 4 ऐड करेंगे, हो जाएगा 34। फिर 30 में क्या ऐड करेंगे? 5, हो जाएगा 35। और फिर 30 में अगला नंबर ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगा? 36। फिर 30 में 7 ऐड करेंगे, 37। फिर 30 में 8 ऐड करेंगे, हो जाएगा 38। फिर 30 में ही 9 ऐड करेंगे, 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, तो 9 ऐड करेंगे, हो जाएगा 39। और फिर 30 में 10 ऐड करेंगे, 30 में 10 ऐड करेंगे, हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहेगा। अब आप वर्ड में देख लीजिए, इसको लर्न करते चलिए। यह आपका वर्क है लर्न करने का। जब आप लर्न करेंगे तभी आपको लर्न होगा, अन्यथा लर्न नहीं हो पाएगा। हमारे लर्न करने से हमको लर्न हो जाएगा, आपको नहीं। चलो साथ में रिपीट करो। ओ यन ई, ओ यन ई। वन, वन मीन्स एक, वन मीन्स क्या होता है? एक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टी डब्लू ओ, टी डब्लू ओ। टू, टू मीन्स दो, टू मीन्स दो। उसके बाद नेक्स्ट है टी एच आर डबल ए, टी एच आर डबल ए। थ्री, इसको क्या रीड करेंगे? थ्री, थ्री मीन्स तीन। नेक्स्ट है एफ ओ यू आर, एफ ओ यू आर। फोर, फोर मीन्स चार, फोर मीन्स चार। नेक्स्ट है फाइव, एफ आई वी ई, फाइव, फाइव मीन्स पांच। गुड। नेक्स्ट है यस आई एक्स, यस आई एक्स। क्या रीड करोगे? सिक्स। गुड, सिक्स। क्या रीड करोगे? सिक्स, सिक्स मीन्स छ, सिक्स मीन्स छ। नेक्स्ट आपका है यस ई वी ई एन। सेवन, सेवन मीन्स सात, सेवन मीन्स सात। नेक्स्ट है ई आई जी एच टी, ई आई जी एच टी। एट, थोड़ा सा टिपिकल है ये वर्ड स्पेलिंग, लेकिन आप लर्न करोगे तो आ जाएगा आराम से। एट, एट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? आठ। एट मीन्स आठ। यन, नेक्स्ट है
एन आई एन ई नाइन, नाइन आपका हो जाएगा नौ, नाइन मीन नौ। नेक्स्ट आपका है टेन, टी ई एन टेन, टेन मीन्स दस। ठीक, सेम वैसे ही आप अगली गिनती देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है इलेवन, क्या है इलेवन, इलेवन की स्पेलिंग क्या है ई एल ई वी ई एन, इलेवन क्या रीड करेंगे इसको, इलेवन, इलेवन मीन्स होता है ग्यारह, इलेवन मीन्स ग्यारह। अगला है ट्वेल्व, क्या है ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व, ट्वेल्व मीन्स बारह। नेक्स्ट है थर्टीन, क्या है थर्टीन, टी एच आई आर टी डबल ई एन थर्टीन, थर्टीन मीन्स तेरह, थर्टीन मीन्स क्या बेटा तेरह। नेक्स्ट है फिफ्टीन, फिफ्टीन की स्पेलिंग एफ आई एफ टी डबल ई एन फिफ्टीन, फिफ्टीन मीन्स पंद्रह, फिफ्टीन मीन्स पंद्रह। नेक्स्ट है सिक्सटीन, एस आई एक्स सिक्स टी डबल ई एन सिक्सटीन, सिक्सटीन मीन्स सोलह। नेक्स्ट है सेवनटीन, क्या है सेवनटीन, एस ई वी ई एन टी डबल ई एन सेवनटीन, सेवनटीन मीन्स सत्रह, सेवनटीन मीन्स सत्रह। नेक्स्ट है नाइनटीन, नाइन एन आई एन ई, देखो नाइन एन आई एन ई नाइन, और उसमें तीन और ऐड हो गया है टी डबल ई एन नाइनटीन। ठीक, एट ई आई जी एच टी एट, और इसी में ठीक नाइनटीन। उसके बाद ट्वेंटी, नेक्स्ट क्या है ट्वेंटी, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ट्वेंटी, ट्वेंटी मीन्स बीस, ट्वेंटी मीन्स क्या होगा बीस। नेक्स्ट आपका है ट्वेंटी वन, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ट्वेंटी ओ एन ई ट्वेंटी वन, सब ट्वेंटी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक आप ऐड कर और उसमें ऐड करते रहेंगे और लास्ट में थर्टी। तो देखो ट्वेंटी वन ओ एन ई वन, फिर ट्वेंटी टी डब्ल्यू टू ट्वेंटी टू, फिर ट्वेंटी टी एच आर डबल ई थ्री ट्वेंटी थ्री, फिर ट्वेंटी एफ ओ यू आर फोर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर मीन्स चौबीस, ट्वेंटी थ्री सॉरी सुनो देखो बेटा कैसे, ट्वेंटी वन मीन्स इक्कीस, ट्वेंटी टू मीन्स बाईस, ट्वेंटी थ्री मीन्स तेईस, ट्वेंटी फोर मीन्स चौबीस, एंड नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव, फाइव मीन्स पांच, ट्वेंटी फाइव मीन्स पच्चीस, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स मीन्स छब्बीस, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन मीन्स सत्ताईस, ट्वेंटी सेवन मीन्स सत्ताईस, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट मीन्स हो जाएगा एट मीन्स आठ होता है अट्ठाईस, ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन मीन्स उनतीस, ट्वेंटी नाइन मीन्स क्या हो जाएगा उनतीस, एंड लास्ट आपका है थर्टी, टी एच आई आर टी वाई थर्टी, थर्टी मीन्स तीस। आपको लर्न क्या करना है वन से लेकर के नाइन तक आप सही तरीके से लर्न के लिए कर लीजिए, उसके बाद में टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी।
इसी में आप वन वन और ऐड करते जाएंगे तो अपने आप अगली गिनती आपको मिलती जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।